हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आरआरबी गोरखपुर, जिसका आपका आरआरसी जोन पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो दोस्तों, यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आई है जितने कैंडिडेट है ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए थे उनके लिए। तो दोस्तों, यहां पर आपका सेकेंड प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी कर दिया है 31 तारीख का डेट में। ये आप लोग देख पा रहे हो, और ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर अपने स्तर से जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा रेलवे की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये रहा वो नोटिफिकेशन, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। और यहाँ दोस्तों आपको डाउनलोड करने का फाइल आ जाएगा, जहाँ पर आप पैनल पार्ट टू जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो लिस्ट, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। और यहाँ दोस्तों आप देख लीजिए, आपका सब कुछ डेटा यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आपका एलएन नंबर, रैंक, पीटी जो आईडी आपका था वो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, और आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अलॉटेड कौन सा डिवीज़न में आपको अलॉटमेंट मिला है, और उसके बाद उसका कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितने लोगों का पैनल पार्ट टू में जगह मिला है। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो टोटल लिस्ट, आप लोग देख पा रहे हो इसमें 23 है। उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल आपका 40 लोगों का हुआ है चयन पैनल पार्ट टू में। इसके बाद दोस्तों आपका पैनल पार्ट थ्री आ सकता है, और उसके बाद पैनल पार्ट फोर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी सीट है जहाँ अभी भी किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, इस नोटिस में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ये पीडब्ल्यूडी के लिए है या नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए। तो आपका अगर रोल नंबर, आपका अगर पैनल पार्ट टू का वेट कर रहे थे, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं है। अगर है तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से, और आप आगे की तैयारी करें और सारे डॉक्यूमेंट लेकर अब अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।